गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन तोमर पहाड़ी। और दोस्तों आपका स्वागत है अभी मेरे देवभूमि हिमाचल के इन पहाड़ों में। और इस टाइम मैं हूं अपने गांव के ठीक सामने। दोस्तों गांव मेरे ये पीछे है, आपको दिख रहा होगा। तो जो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, वो है मेरा ब्लॉग आज गांव से मैं जा रहा हूं आज रुड़की के लिए। तो दिखाता हूं आपको आज ट्रैवल ब्लॉग कि रास्ते में क्या कुछ रहता है और क्या कुछ होने वाला है ख़ास, क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम रुड़की जा रहा हूं और वो भी बाइक पे जा रहा हूं। तो लगभग यहां से डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स का। तो देखते हैं देवभूमि हिमाचल से देवभूमि उत्तराखंड के लिए कैसा रहता है सफ़र। तो बने रहें मेरे इस ब्लॉग में। सुबह सुबह का व्यू है ना दोस्तों, तो पहाड़ों पे सुबह 7 बजे ही धूप हल्की हल्की खिल चुकी है एकदम। ये देखिए दोस्तों, हल्की हल्की धूप अभी लगी है पहाड़ों पे। तो करते हैं आगे का सफ़र, इसी रोड से चलना है अपने को और आगे, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और अगर अभी बाइक की रीडिंग की बात करें तो दोस्तों बाइक में हुआ है अभी 44,738 किलोमीटर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ये मेरा पड़ोसी गांव है इधर बड़ाना, तो बड़ाना से है सामने से ये सूर्य की किरणें। अभी देखिए दोस्तों, सूर्य देव भी अपने उदय हो चुके हैं सुबह सुबह ही। इनकी तरफ से गुड मॉर्निंग होगी है अपनी। ये सूर्य की पहली किरणें अपने को यहीं से देखने को मिली है। ये दोस्तों अपना पड़ोसी गांव है जहाँ से अपने को ये सूर्य की किरणें मिल रही है इस पहाड़ की चोटी से। और ये जो ये वाला एरिया है इधर का सराउंडिंग वाला एरिया, ये दोस्तों अपना फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे पूरे जंगल है अपना ये। तो इसी से होके मैं निकलूँगा अभी और आगे। बने रहें मेरे ब्लॉग में, लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों मैं अभी ठीक खड़ा हूँ अपना किलोड़ पुल के ऊपर। जो किलोड़ है दोस्तों, वैसे यहीं से तो अपना उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। अपने गांव से ठीक 8 किलोमीटर दूर अपना बाय रोड उत्तराखंड की सीमा है देवभूमि उत्तराखंड, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं जो निकलूँगा वो मैं डाकपत्र होकर निकलूँगा। तो ये दोस्तों सामने वाला जो पहाड़ है, ये अपने देवभूमि उत्तराखंड का जो कालसी एरिया है, कालसी विकास नगर वाला एरिया है, तो वो वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है अपने गांव के ठीक नज़दीक में ही। तो ये है दोस्तों नीचे किलोड़ पुल और ये साथ में बहती है अपनी टोंस नदी। ये देखिए दोस्तों, साथ में ये टोंस नदी। तो चलते हैं और आगे। दोस्तों यही अपना ये डाकपत्र बैराज, इसी बैराज को क्रॉस करके अपने को जाना है देवभूमि उत्तराखंड में। तो देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त व्यू है इधर इस बैराज का, डाकपत्र बैराज का। चलते हैं और आगे इसको क्रॉस करके देवभूमि उत्तराखंड में, लास्ट गो। तो भाइयों अभी तुम्हारा भाई पहुंच गया है इधर पहाड़ी गली विकास नगर में, यानी मेन मार्केट में हूँ मैं अभी। तो यही विकास नगर की मेन मार्केट है। तो इसको करता हूँ मैं फटाफट से क्रॉस और चलता हूँ और आगे। यहाँ सुबह सुबह सब्जी वाले सब्जी लगा के बैठे हैं और रोड है पूरा, अभी दुकानें अभी खुली नहीं है क्योंकि सुबह का ही टाइम है। ये देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर हटरपुर चौक पे। यहाँ से अपने को निकलना है सहारनपुर रोड पे। एक यहाँ पे विकास नगर के लिए रोड जाता है, एक यहाँ से देहरादून के लिए और एक यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो दोस्तों मेरे को निकलना है सहारनपुर रोड पे, तो मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा सामने वाले इसमें। ये देखिए दोस्तों इस चौराहा में एक तो यहाँ से पौंटा के लिए रोड निकल जाता है और दूसरा इस तरफ को ये देहरादून वाला, और यहाँ से सामने अपने को निकलना है तो यहाँ से निकलना है दोस्तों अपने को ये बेट। तो बेट से मैं टर्न लूँगा, बेट अभी यहाँ से 38 किलोमीटर है। तो इसी रोड पे मैं निकलता हूँ। दोस्तों मैं हूं अभी ऑन द वे टू बेट सहारनपुर वाले रोड पे।
तो रास्ते में अपने को पहाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ उत्तराखंड की। तो देखते हैं इधर जो है अभी सामने दोस्तों, यहाँ बनी है काफ़ी प्यारी छोटी छोटी कॉटेज, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन पहाड़ के ठीक नीचे ये छोटी छोटी कॉटेज बसी हुई है। इसमें कुछ अपने शायद यहाँ पे गुज्जर भाई रहते होंगे, और सामने ही यहाँ पे डंगर है खोले हुए अपने ये चरागाह पे। काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए दोस्तों, ये देवभूमि उत्तराखंड भी अपना बहुत प्यारा है। दोस्तों तो मेरे पीछे ये देखिए क्या जुगाड़ है, झूठा बुगी वाला। लोग इस पर भी सवारी कर रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये सबसे बेस्ट जुगाड़ है अपना झूठा बुगी वाला। इस पर ना तो कोई तेल लगना ना कुछ और लगना, अपना नेचुरल सोर्स है। इसी को लेके यहाँ के भाई लोग अपने यातायात का साधन बहुत अच्छा ढूंढा है। तो अब दोस्तों तुम्हारा भाई पहुँच चुका है इधर बेट में। अब बेट से निकलना है और आगे, अब यहाँ से निकलना है और रुकी के लिए। तो पूछते हैं कि आगे कहाँ से टर्न लेना पड़ेगा अपने को, देखते हैं आगे। तो भाई अपने को मिला है एक भाई, तो भाई से पूछ रहा हूँ मैं इधर बैठ से कि अब अपने को आगे कैसे जाना है। तो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर पे क्या है भाई, कलसिया है। तो बैठ से 3 किलोमीटर पे कलसिया है, और कलसिया से अपने को जाना है लेफ्ट साइड में, जाना लेफ्ट साइड में चुटमलपुर रोड पे। जी हाँ। तो भाई जी ने बताया अपने को वहाँ से अपने को लेफ्ट साइड में चुटमलपुर रोड पे निकलना है। तो मिलते हैं आपको आगे कलसिया में। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। आपको गुड नेम भाई? अनिल कुमार। तो भाई जो मेरे चैनल को देख रहे हैं अर्जुन तोमर पहाड़ी को, तो भाई के लिए एक लाइक। तो भाइयों आखिरकार अपने को ये रुड़की लिखा हुआ मिल ही गया। रुड़की यहाँ से 50 किलोमीटर है। अपने को यहाँ से जैसे भाई ने बोला था लेफ्ट लेना है, तो मैं यहाँ से लूँगा लेफ्ट। और भाइयों यहाँ से चुटमलपुर रह गया 23 किलोमीटर, और रुड़की है यहाँ से 47 किलोमीटर, तो मसूरी यहाँ से 95 किलोमीटर। तो अपने को निकलना है इसी रोड पे। अभी पहुँचना है अपने को फ़िलहाल चुटमलपुर, तो चुटमलपुर से लेंगे फिर और रुड़की के लिए। तो चलते हैं दोस्तों और आगे। तो भाई मैं अभी पहुँच चुका हूँ इधर चुटमलपुर, और तो चुटमलपुर से आगे का जो सफ़र है वो तय करेंगे अब इधर से रुड़की के लिए। तो अपने को जाना है इस वे में। तो भाई अभी हैं रुड़की बस स्टैंड से थोड़ा पीछे, तो अपने साथ जो प्रशांत भाई थे वो यहीं पे ही उतर रहे हैं। प्रशांत भाई को पूछता हूँ कि कैसा लगा आज पहाड़ी भाई के साथ सफ़र, कैसा लगा भाई? बहुत सही राइडिंग रही आपके साथ, मज़ा आया। मज़ा आया? हाँ, पक्का? बिल्कुल। हाँ। तो भाई को आया काफ़ी मज़ा आज मेरे साथ राइडिंग करके। तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपने भाई। अर्जुन तोमर पहाड़ी आपने सर्च मार लेना है तो आपको मैं मिल जाऊंगा उसमें। तो दोस्तों चलते हैं फिर और आगे, घुमाते हैं आपको आज रुड़की का शहर कैसा है अपना ये। तो मेरे भाई अभी किलोमीटर की सुइयां पहुंच चुकी है 44,855 पे, और मैं भी पहुँच चुका हूँ इधर रुड़की शहर में। तो यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा, टाइम हुआ है 10:30 का। लगभग अपने को 3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा अपने गांव से लेके यहाँ तक का। तो देखिए मेरे भाई क्या है इधर का नज़ारा। और जिनसे मिलने में आया था वो अपने साथी है इधर अभी, मेरे बड़े भाई। हाँ
तो भाई लोगों, टाइम हो गया है अभी दोपहर के 1:30 बजे और टाइम है अभी लंच का। तो मैं आया हूँ अपने भाई के साथ इधर रुड़की में टेस्ट ऑफ पंजाब ढाबे में। देखते हैं इधर का कैसा है टेस्ट ऑफ पंजाब ढाबा। तो लंच तो ऑर्डर हो गया है, थालियाँ बिल्कुल तैयार है, तो करते हैं खाना शुरू फटाफट से। तो दोस्तों, अभी शाम के बजे हैं 5 और मैं कर रहा हूँ रुड़की को बाय बाय, देवभूमि उत्तराखंड को बाय बाय। तो शाम होते होते अपने साथ हैं रवि चौहान जी, अपने एक भाई। ये जो भाई हैं ये भी एक ब्लॉगर हैं और इन भाई का एक अपना खुद का एक चैनल है एंडलेस एडवेंचर के नाम से, आरवी एंडलेस एडवेंचर आरवी। तो अपने ये भी अपने एक पहाड़ी भाई है और पहाड़ी भाई में इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी हिम्मत वाला काम किया है। आप लोगों ने इनके चैनल पे जाके ज़रूर देखना है और इनको पूरी सपोर्ट करनी है। ये देखिए दोस्तों, इनका जो चैनल है वो ये इसमें दिख रहा है, बाकी मैं इनका जो चैनल का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों ने ज़रूर इनको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इन पहाड़ी भाई को ज़रूर सपोर्ट करना है, क्योंकि जो इनका एडवेंचर है, जो इनके मैंने ब्लॉग्स देखे हैं वो काफ़ी ही वंडरफुल है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। इनको एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे भाई, और एक सब्सक्राइब भी। क्यों रवि भाई, बाकी चेकआउट ज़रूर करें आप, अच्छा जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गलतियां भी होती है, अच्छा भी होता है, जो भी है चेकआउट ज़रूर करें अगर आपको टाइम लगेगा तो। तो भाई लोगों, आप लोगों ने इनके चैनल पर ज़रूर जाना है और चेकआउट ज़रूर करना है, और कुछ भी ऐसी फीडबैक हो तो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से भाई को ज़रूर देनी है और मेरे को कमेंट करना है कि भाई का चैनल कैसा है और जो मेरा आज का ब्लॉग है वो कैसा है। दोस्तों, जो नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।